अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे। छत पे ऊपर वाला भी आप पे तभी विश्वास करता है जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है। सिद्धार्थ जी, हमारे देश की एक बहुत दिलचस्प बात है, यहाँ एक ही चीज करने के अनेक तरीके हैं। हाँ। जैसे हर इलाके में आम का अचार अलग अलग ढंग से बनाया जाता है। जी हाँ। और शादी ब्याह के गीत भी हर जगह अलग अलग ही हैं। लेकिन रेणुका जी, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि आप कुछ और कहना चाहती हैं? सिद्धार्थ जी, जब जीवन से जुड़ा कुछ भी गिने चुने सांचों में नहीं डाला है, तो फिर करियर चॉइसेस को लेकर हम इतने तंग ख्याल क्यों हैं, कंजूस क्यों हैं? मैं समझा। हाँ, अब देखिए, एक सर्वे के हिसाब से भारत में 80% युवा करना चाहते हैं सफेद पोश, यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह वगैरह। लेकिन इन क्षेत्रों में काम के अवसर हैं सिर्फ 20%, जबकि अगर आप स्किल्ड प्लम्बर हैं तो आपके पास काम के अवसर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि फिलहाल कंपटीशन कम है। और अगर आप एक हुनरबाज प्लम्बर हैं तो इसे आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप शहर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर या गगनचुंबी इमारतों के ड्रेनेज सिस्टम पर, वेस्ट कंट्रोल सिस्टम, गैस प्लांट्स और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम पर भी काम कर सकते हैं। एक्साइटिंग। यस, जरूरत है किसी क्षेत्र को चुनने से पहले उसे समझने की और इस बात को मान लेने की कि परंपरागत करियर से आगे भी बहुत कुछ है, यानी खांचे में रहकर नहीं, खांचे से बाहर निकलकर अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में सोचना चाहिए, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। वोकेशनल ट्रेनिंग करके न सिर्फ आप प्लम्बिंग बल्कि कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, ब्यूटी जैसे क्षेत्रों में भी काम करके ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विकलांग लोगों के लिए भी काम कर रही है। और आज हम मिलेंगे उन जांबाजों से जिन्होंने अपनी शारीरिक विकलांगता को अपनी जीवन की राह में रोड़ा बनने नहीं दिया। So what if I cannot stand on my own? I have received standing ovations many times. न सिर्फ खुद आगे बढ़े बल्कि औरों को भी हुनर सिखाकर आगे बढ़ा रहे हैं। हेलो, हाय, आदाब, कैसे हैं आप? मैं सनी। हाय, मैं हूँ प्रिंसी और ये है हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया सीजन 2। हमारे एपिसोड को गौर से देखिए, क्योंकि हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल जिसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा कैश प्राइज। प्रिंसी, इमेजिन कभी अगर अंगूठा कट जाए या फिर फ्रैक्चर हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। सनी, उसकी तो तुम बात ही मत करो। यू नो, एक बार मेरा हाथ महीने भर तक प्लास्टर में था, इतना चैलेंजिंग हो गया था सब कुछ, मुझे तो रोना ही आता था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये जिंदगी भर की सच्चाई है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिजिकली इम्पेयर्ड, ये शारीरिक विकलांगता पर जीत हासिल करना भी इन्हें आता है। जब हमारे शरीर के कुछ अंग ठीक से काम नहीं कर पाते या फिर सामान्य चलने फिरने और रोजमर्रा के काम करने में सहायक होने वाली गतिविधियां हम ठीक से कर नहीं पाते या उन्हें करने में दिक्कत आती है, तो उसे शारीरिक विकलांगता कह सकते हैं। कभी जन्म के वक्त कुछ कारणों से या फिर एक्सीडेंट में गहरी चोट खाने से इंसान विकलांग बन सकता है। आज हमारे देश में 60 लाख के करीब लोग शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं। इस बड़ी लोक संख्या को समाज के मुख्य प्रवाह में लाने की कोशिशें कई लेवल्स पर हो रही हैं, जहां एनजीओज यानी समाज सेवी संस्थाएं इस काम को बखूबी निभा रही हैं, वहीं भारत सरकार भी अपना दायित्व पूरी शिद्दत से निभा रही है, जिसके चलते भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली का पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कटक उड़ीसा का स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिसेबल्ड लोगों के लिए आशा के नए द्वार खोल रहे हैं, तो कानपुर की आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फरीदाबाद हरियाणा की नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विकलांग लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं भारत सरकार की स्किल मिनिस्ट्री की कोशिश है कि वो सभी के लिए रोजगार के अवसर तैयार करे और शारीरिक विकलांग लोगों को ऐसे स्किल्स की ट्रेनिंग दे जिससे वे रोजगार के लायक बन सके।
The only disability is low self-esteem. People who cannot walk can fly with their attitude. ये कहानी है हृदयेश्वर सिंह भाटी की, जिसने अपने शारीरिक विकलांगता को अपनी तरक्की के आड़े नहीं आने दिया। मैंने हृदयेश्वर को नाचते हुए भी देखा था। 4 साल की उम्र के बाद जब हमें पहली बार पता चला, हमारे उस समय मुंह उतर गया था। एंड ही सेड, मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, एक दिन मैं उड़ूंगा। और आज वो केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर बन गया है, और उसने एक ऐसी खोज की जिसने एक खेल का रूप ही बदल दिया। एक बार मेरे 4 दोस्त आ गए थे, मैं अपने पापा के साथ चेस खेल रहा था, तो मैंने पापा को बोला कि 6 प्लेयर का चेस बन सकता है क्या, और फिर मैंने डिस्कवर कर लिया कि कैसे इन्वेंट करना है 6 प्लेयर चेस। 2011 में मैंने उसे इन्वेंट कर दिया, और उसके 1 साल बाद मैंने 12 प्लेयर चेस का आविष्कार किया। हृदयेश्वर यही नहीं रुका, हृदयेश्वर ने एक रैंप सिस्टम की खोज की है जिससे गाड़ी में चढ़ने और उतरने में आसानी होती है। अपनी निरंतर खोज के लिए हृदयेश्वर को कैबिन केयर एबिलिटी स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, और उससे श्री बालाजी सोसाइटी का चाइल्ड इनोवेटर अवार्ड भी मिल चुका है। हृदयेश्वर के इनोवेशन के स्पिरिट को सलाम करते हुए 2014 में उसे डॉक्टर बत्राज पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया। So what if I cannot move my body? I move the heart of millions. So what if I cannot stand on my own? I have received standing ovations many times. जितना मैंने सोचा था उससे कई अलग है इनकी ये दुनिया। भले ही फिजिकली चैलेंज है, पर इनके हौसले चट्टानों से भी बुलंद हैं। और ना ही छोटा है इनका आसमान जिसमें ये उड़ना चाहते हैं। हुनर क्या कुछ नहीं कर सकता है, और अगर आपके पास है हुनर तो रोजगार मिलने में देर नहीं लगती। बिल्कुल, और इस बात को बखूबी समझा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग ने, और तैयार किए कई स्किलिंग्स के प्रोग्राम। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग सभी तरह के डिसेबल्ड लोगों के लिए कई तरह से प्रयास कर रहा है। उनके लिए अधिक से अधिक आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है। हमारे यहाँ जो 4 बेसिक मेजर कैटेगरी के हमारे PWDs हैं, इन दी ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड एरिया, जिनको जो है व्हीलचेयर्स, ट्राइसिकल्स, बाकी इस तरह का क्रचेस, ये सब चीज़ें जो दी जाती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड जो दृष्टि बाधित हैं उनके लिए अब हम बहुत सारे नए मॉडर्न एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस दे रहे हैं, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, एक स्मार्ट केन है जो IIT Delhi ने बनाई है, डेजी प्लेयर्स, नए मॉडर्न ब्रेल किट्स दे रहे हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट में हमने जो है 2 नई चीज़ें स्टार्ट की हैं। एक तो कॉकलियर इम्प्लांट स्टार्ट किया है, 5 साल तक के लोगों के लिए जो है हम कॉकलियर इम्प्लांट्स दे रहे हैं बच्चों के लिए। 100 से अधिक बच्चों को देश में अभी हम कॉकलियर इम्प्लांट्स दे चुके हैं, और लगभग 100 हॉस्पिटल्स के माध्यम से इनको हम कॉकलियर इम्प्लांट्स देंगे। कॉकलियर इम्प्लांट्स के माध्यम से बच्चों को सुनने की शक्ति और फिर उससे साथ साथ सीख कर बोलने की शक्ति भी जो है स्पीच थेरेपी के माध्यम से दी जाती है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए थे अभी तक, उनको हमने शामिल किया है। इनिशिएटिव जो हमें मिनिस्ट्री ले रही है वो है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसके तहत जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे डिसेबल्ड फ्रेंडली फीचर्स नहीं हैं, उनको हम लोगों से कहेंगे कि वो पोर्टल पे अपलोड करें, और फिर हम लोग उसके लिए पैसा देंगे। हमारे पास एक स्कीम है सिप्टा करके, जिसके अंतर्गत हम लोग पैसे दे सकते हैं, रैम्प्स बन सकते हैं, डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स बना सकते हैं, लिफ्ट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले तो 7 स्टेट्स में शुरुआत करेंगे, और उसके बाद पूरी कंट्री में इस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को ले जाएंगे। इस तरह के विभिन्न कैंपेन के अलावा सरकार डिसेबल्ड लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है। हमारा जो विभाग है उसने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वोकेशनल ट्रेनिंग के एरिया में किया है। इस नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत 25 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएंगे, और इस साल से ही हम इसको शुरू कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें तमाम हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, Section 25 कंपनीज हैं यानी नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, इनके सबके सहयोग और एक्सपर्टीज के साथ इस पूरे कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारा जो नया PWD बिल है, RPWD बिल,
इसमें हमारा रिजर्वेशन जो है जॉब्स के लिए 3% से 5% हो जाएगा। एक नेशनल कमीशन की स्थापना होगी। सरकार न सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है बल्कि उन्हें अधिक से अधिक जॉब्स भी मिले उसके लिए भी प्रयासरत है। बड़ा सा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पहले साल हम लोग 1,00,000 PWDs विकलांगजन को ट्रेनिंग देंगे, अगले साल 1,50,000 और तीसरे साल 2,50,000, तो 5,00,000 तो ये 3 साल में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद हम लोग हर साल 5-5 लाख हमने लक्ष्य रखा है। तो अगर आप सब लक्ष्य को जोड़ेंगे तो 2022 तक हम लोग 25,00,000 विकलांगजनों को स्किलिंग या योग कौशल ट्रेनिंग हम लोग दे सकेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो 2.5 करोड़ डिसेबल्ड लोग हैं इंडिया में, हर एक के पास हम पहुँचे, हर एक की सहायता करें। से ऐसे कितने होंगे जो अपनी विकलांगता पर जीत हासिल कर जिंदगी में आगे बढ़ते होंगे? शायद बहुत कम। पर एक ऐसी लड़की है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है। अहमदाबाद गुजरात की तेजल जो दोनों पैरों से विकलांग है, पर उसकी ये विकलांगता उसकी प्रगति के आड़े नहीं आई। तेजल आज एक एनिमेटर के तौर पर डिजाइन मेट में काम करती है। मुझे यहाँ काम करते हुए 7 साल हुए और यहाँ मैं एनिमेटर का काम करती हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। जैसे मुझे पंख आ गए, क्योंकि मैं तो ऐसे बैठे बैठे चलती थी। अब मुझे, मैं गाड़ी लेके चलती हूँ, तो जब मुझे अच्छा लगता है मैं एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकती हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं। तेजल की ही तरह कई और लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद की डिजाइन मेट के रिटायर्ड कैप्टन कमलजीत सिंह बराल ने। डिजाइन मेट बेसिकली मेरी वाइफ ने शुरू किया था, बिकॉज वो NID की ग्रेजुएट थी। तो हमने बॉम्बे में, हम दोनों ने मिलकर कंप्यूटर एनिमेशन कंपनी शुरू की थी इन 1988। जब हम बॉम्बे में थे तो हमारे पास एक फादर आए थे अपने बेटे को लेके, जो डेफ एंड डम था। तो वो 3D एनिमेशन सीखना चाहता था, पर कोई उसको सिखाने को नहीं तैयार था। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमने कहा था ठीक है, हम इसको सिखाएंगे। एंड वो सीखने के बाद वो इतना अच्छा हो गया था कि बॉम्बे में तकरीबन वो एक बेस्ट एनिमेटर आप कह सकते थे, इतना वो काबिल बन गया था। हमने भी सोचा कि अगर हम और ऐसे ट्रेन करें और उनको अपॉर्चुनिटी दें ग्रो करने को, तो कोई भी एनिमेटर होता है उस उतना काबिल बन सकते हैं। जॉब करने के बाद अपना एक, मेरी एक अलग सी पहचान बनी। मैं अपने आप अपने फैसले ले सकती हूँ खुद पे। पहले सिर्फ मेरे पापा थे जो हमारे घर में इनकम लाते, बट अब मैं हूँ और बहुत सारी हेल्प मिलती है मेरे से, मेरी फैमिली को। डिजाइन मेट डिफरेंटली एबल लोगों को स्किल और जॉब दे रहा है। डे वन से ही हम सैलरी देते हैं, तो उनका मोटिवेशन भी ज्यादा होता है, उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है लाइफ में। तो उससे फायदा ये होता है कि वो जल्दी सीख जाते हैं। मैं यहाँ हमेशा कंपनी के साथ रहना चाहती हूँ और मेरे काम में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ और अपनी जो एनिमेटर है उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। डिजाइनमेंट एक्चुअली मेरे हार्ट पंप की तरह है। अगर बंद हो गया तो सोचना पड़ेगा आगे कैसे हो वापस हार्ट बीट शुरू कर पाओ। केवल तेजल ही नहीं बल्कि उसके जैसे कई डिजाइन मेट की मदद से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। इनकी ये दुनिया ही अलग है। ये भले ही फिजिकली इम्पेयर्ड है, पर कल्पना के पंखों पर सवार
या आसमान को छूना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सरपट उंगलियां चलाना या फिर कॉल सेंटर में जॉब्स करना। बिल्कुल, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और तैयार हो रहे हैं करियर और जॉब्स के कई ऑप्शन। करियर अपॉर्चुनिटीज तो हर क्षेत्र में है, सिर्फ ये है कि उनके अंदर अपनी क्षमता जो होती है अगर उसका सदुपयोग करेंगे तो कोई भी करियर ऐसा नहीं है जिसे वो अपना नहीं सकते। जहाँ तक भारत सरकार का प्रश्न है, उसमें नौकरियों में 3% का आरक्षण भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। सभी सरकारी विभागों ने अपने अपने विभाग के अनुरूप कुछ जॉब पोस्ट्स ग्रुप ए बी और सी के अंतर्गत फिजिकली चैलेंज्ड के लिए तय की हैं, जिसमें वे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट www.ccdisabilities.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन विकास के कार्यों में भी कुछ संस्थाएं फिजिकली इम्पेयर्ड को जॉब्स देने संबंधी कोर्सेज कराती हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान। हम इस संस्थान में ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज रन करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में, और वो 3 कोर्सेज हमारे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट सेम है, 10+2, 50% अंक आवश्यक हैं। तीनों कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 साल का होता है। हमारा संस्थान जो है विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का कार्य करता है, यानी कि वो विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम उपकरण सहायक उपकरण जो है बनाने का कार्य हमारे यहाँ पे सीखते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप www.disabilityaffairs.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं और यहां आप अपनी शिकायत और फीडबैक भी दे सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था हियरिंग इम्पेयर्ड डांसर्स डांस करने के लिए कौन सी स्किल इस्तेमाल करते हैं, और सही जवाब है ऑप्शन सी, काउंटिंग। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर हैं त्रिपुरा की संचिता साहा, जिन्होंने जीता है NSDC की तरफ से पूरे 10,000 रुपए का इनाम, जो हमें लिखती हैं। आपका ये प्रोग्राम हमें बहुत जानकारी देता है, मैं हर रविवार हुनरबाज देखती हूँ। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको हमें ये बताना है कि भारत सरकार का वो कौन सा विभाग है जो डिफरेंटली एबल लोगों को एम्पावर कर रहा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, ऑप्शन बी अडैप्ट, ऑप्शन सी अली यावर जंग संस्थान। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HP2 space 05 space ABSE और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं, और आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा NSDC की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। दिल्ली का अमर ज्योति ट्रस्ट, जहां डिफरेंटली एबल लोगों को मिलते हैं वो स्किल्स जिनसे वे आत्मनिर्भर बन सके। आज हम ऐसे ही 2 लोगों से मिलने वाले हैं। एक हैं शम्मी कुमार जो ज्वेलरी का काम करते हैं, और दूसरे हैं नंद किशोर जो वोकेशनल स्किल सिखाते हैं। मैंने व्हील्स की अलाइनमेंट ठीक किया और चैन सेट ठीक किया। नंद किशोर ने अमर ज्योति से मैकेनिकल कोर्स किया और वहीं उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 1982 में मैंने अमर ज्योति ज्वाइन किया और फिर मैं अमरज्योति से सीखकर मैकेनिकल फील्ड में काम किया। और वहीं शम्मी कुमार ने ज्वेलरी का काम सीखा और लगन ऐसी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स यानी डिफरेंटली एबल लोगों के लिए होने वाले स्किल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर ही दम लिया। उधर मेरा गोल्ड मेडल आया तो उसके बाद मेरे मन में एक विचार बना कि मैं अपने जैसे बच्चों को सिखाऊं, और इसलिए उन्होंने अमर ज्योति में पढ़ाना शुरू किया। मैं देखता था, मैं सोचता था और मेरे दिमाग में ये चलता था कि ये बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख के, इनके लिए काम के बारे में क्या ऑप्शन है। अगर मैं 20 बच्चे भी लेता हूँ उसके अंदर से 2 भी कामयाब हो जाते हैं तो मेरे लिए अच्छा होएगा। आज शम्मी जी दूसरों को कामयाब बना रहे हैं, पर खुद की उनकी कामयाबी आसान नहीं थी।
छोटा था तो लोग कहते थे कि हाय कितना सुंदर बच्चा है, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका क्या होगा। ये मेरे दिमाग के अंदर ये बात बैठती थी कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मेरे में क्या कमी है जो लोग मेरे को कहते हैं। लेकिन शम्मी जी ने लोगों की उन बातों को जवाब दिया अपने हुनर से। मैंने 71 से काम करना शुरू किया। 71 में फर्स्ट मैंने जो नेकलेस सेट बनाया तो उसके लिए मेरे को 1200 रुपये एक लेबर मिली मेकिंग। उस वक्त 1200 रुपये की बहुत वैल्यू थी, तो पापा को भी मेरे अच्छा लगता था कि ये कुछ कर लेगा। वहीं नंद किशोर ने साइकिल रिपेयरिंग के काम से अपना काम शुरू किया और जल्द ही पेपर बैग मेकिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग की कला सीख ली और साथ ही अमर ज्योति के बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। जैसे अब देखिए बैग्स, डिफरेंट डिजाइनर्स। अमर ज्योति के ये दो ऐसे बाशिंदे हैं जिन्होंने न केवल अपनी विकलांगता को मात दी बल्कि वो एक रोल मॉडल बन गए हैं यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए। हुनर सीखकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, एक हुनर आपको बना सकता है मुकद्दर का सिकंदर। हाय। और ऐसे ही सिकंदर बनाने की कोशिश में जुड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, जिनके इफेक्टिव स्किलिंग प्रोग्राम्स के जरिए भारत में तैयार हो रही है एक स्किल्ड वर्कफोर्स। बिल्कुल, बदलते भारत की बदलती तस्वीर और स्किल्स की दुनिया की ताजा तरीन खबरें, यानी स्किल्स समाचार। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात NHFDC ने शारीरिक विकलांगों के लिए 2500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। ये स्कॉलरशिप्स प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराने वाले छात्रों को दी जाएगी। अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो NHFDC की वेबसाइट www.nhfdc.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं या उन्हें nhfdctf@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आप एकेडमिक साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के श्री राजी प्रताप रूडी ने संयुक्त रूप से नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को शुरू किया, जिसके तहत सन 2022 तक 25 लाख विकलांग लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का उद्देश्य है देश में फैले स्किल शॉर्टेज को कम करना और साथ ही डिफरेंटली एबल लोगों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 0880005555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। डिसेबिलिटी जहां बन जाती है एबिलिटी और हर चैलेंज बन जाता है आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी। फिजिकली चैलेंज लोगों की ये दुनिया जहां पर शरीर का एक अंग ना होना आपत्ति नहीं बल्कि एक मौका है कुछ ऐसा कर गुजरने का जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। तो इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए ख्याल रखिए और हाँ, ये नहीं डिसेबल्ड बल्कि है डिफरेंटली एबल्ड। अगले हफ्ते होगा महाकुंभ वर्ल्ड स्किल इंडिया के फाइनलिस्ट का, जहां हर एक प्रतियोगी 22 अलग अलग स्किल्स में लगा देगा जी जान। साओ पॉलो ब्राजील जाने के लिए बहुत सीखा जो है, इतने दिन में तो बहुत सीखा और पूरा इस्तेमाल किया। अभी रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, एक अजीब सी फीलिंग है कि क्या होगा। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में